यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए। यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन किया और कहा है कि ब्रिटेन को अब अपनी सुरक्षा परिषद की सीट छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन अब ग्रेट नहीं रहा। इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना एंड ग्रेट ब्रिटेन इज नो लॉन्गर ग्रेट। इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। किशोर महबूबानी ने संयुक्त राष्ट्र में जरूरी सुधारों पर बात की और कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। और ये कहा है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स परमानेंट चीफ बनते हैं उन्होंने। आपके कंट्री के अंदर मोदी क्यों नहीं पैदा हो रहा, ये बहुत बड़ा सवाल का निशान। उन दोनों चीजों में क्या है, नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म सर्व करने की ख्वाहिश है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको इनहेंस किया जाए और इसकी जो मेंबरशिप है वो बढ़ाई जाए। लेट्स सपोज हमारा नेबर कंट्री इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो उसे पाकिस्तान को क्या नुकसान या क्या फायदा होगा? क्या पाकिस्तान की पब्लिक इस चीज से एग्री करती है या ये समझती है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए? एक तो ये कि यूएनएससी को यूनाइटेड नेशंस को और सबको सर जोड़ के बैठ के सोचना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा कि या तो मेंबर बढ़ा दें, इंक्रीज करें और इंडिया को इंडक्ट करें उसके अंदर, और या फिर दूसरा तरीका यह है कि वो किसी एक कंट्री को हटाकर इंडिया को बनाएं। अगर लेट्स सपोज हमारा नेबर कंट्री इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो उसे पाकिस्तान को क्या नुकसान या क्या फायदा होगा? क्या पाकिस्तान की पब्लिक इस चीज से एग्री करती है या ये समझती है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए? ये यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें इस टाइम 5 परमानेंट मेंबर हैं और अभी बात ये भी चल रही है कि इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। एलन मस्क जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान है उन्होंने कुछ टाइम पहले ऐसी स्टेटमेंट दी कि भाई मैं मुझे हैरत है कि इंडिया सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री होने के बावजूद परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं क्या इंडिया परमानेंट मेंबर बनने का हकदार है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से। अगर आप इस वक्त हिंदुस्तान की सूरत हाल को अगर देखेंगे ना वहाँ पे, अच्छा, जो लोगों के साथ वहाँ पे हो रहा है, मुसलमानों की जो कत्लो गारत गिरी हो रही है, ठीक है, जो दूसरी अकलियत वहाँ पे बसने वाली लोग हैं, अकलियत के बसने वाले लोग हैं, उनके साथ जो हो रहा है वहाँ पे, तो उसको अगर आप उस सिनेरियो में देखेंगे तो फिर तो उनका बनता ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर वो लोग होने चाहिए कुछ जो दुनिया में अमन चाहते हैं, जो दुनिया के अमन के खिलाफ है उन लोगों का तो इसके बीच में कोई मुदाखलत होनी नहीं चाहिए। चले ठीक है, आपने बोला जो इस टाइम हिंदुस्तान में हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा माइनॉरिटीज के साथ और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन चाइना यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है, चाइना का परमानेंट मेंबर है ना, हाँ, लेकिन वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ क्या, जो चाइनीज मुस्लिम हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्या वो आजाद हैं? चाइना की अगर आपके मीडिया की तवसस की अगर कोई रिपोर्ट उठा लेना तो वो इंडिया से उसके जो मतलब हिंसे हैं वो आपको बड़े डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो हमारा मीडिया है ना, उसमें चाइना हमारा फ्रेंड है तो इसलिए वो हमें हिंसे थोड़े मुस्लिम मिलेंगे। आपसे अब वो उसके ऊपर बात करेंगे कि वहाँ पे क्या कंडीशन है और ह्यूमन राइट की जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान में क्या वायलेशन वो है। किशोर महबूबानी, अब किशोर महबूबानी को जब आप देखते हैं तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में बिटवीन 1984 एंड 1989। फिर इसके अलावा वो 1984 से 1998 से 2004 तक भी रहे और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल वो बिटवीन 2001 एंड 2002 रहे। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अगर एक्स प्रेसिडेंट आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का और यहाँ तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफर कर दे इंडिया को, तो ये एक बड़ी खबर है। यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है और इसमें ये कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज और कुछ ऐसे कंट्रीज, क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए? तो मसला ये है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो जंग लगी हुई है, तो ऐसा कंट्री जहां पर जंग लगी हो उसका वो स्टेटस नहीं रहता। दुनिया का कोई भी कंट्री वो जितना भी ताकतवर और पावरफुल होगा वो उसका स्टेटस कम हो जाएगा अगर वो जंगजदा है। जंगजदा इलाका कहा जाता है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच इस वक्त जंग चल रही है तो इसलिए जो है, और फिर इस वक्त आप बाकी कंट्री उसको जब आप पीछे रख दें तो इंडिया वाकई फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है लेकिन थर्ड
बड़ी पावर है, थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, ये कहा जा रहा है, ये कहा गया इसके अंदर। तो फिर ये भी स्टेटस चेंज हो गया। एक तरफ ये यूएनएसएक की सीट के लिए कह रहे हैं, साथ ही वो इसको ऐसे भी कह रहे हैं इंडिया को। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशंस की सीट्स हैं उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको पास वीटो पावर होती है, और जो वीटो पावर है वो किसी भी दुनिया के बड़ा कोई भी इशू जब यूनाइटेड नेशंस में यूएनएससी में पहुंचेगा तो उसके पर उनको हक हासिल होता है कि वो वीटो पावर यूज करें, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है उसको नल एंड वॉइड कर दें। अगर कोई नल एंड वॉइड हो रही है, उसके पर किसी किस्म का कोई तनाज़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी चल रहा है, तो उस कंट्री को जो कि परमानेंट मेंबर हैं 5, उनको ये राइट हासिल है कि वो अपना वीटो यूज करें और अपने मुताबिक जैसे वो समझते हैं वो करें। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी ताकत है वीटो पावर होना, और दुनिया की जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं, उनके पास है ये, जानते हैं आप। तो उसके अंदर यूके को इस किस लिए कहा गया? सोचने की बात यह है कि बंदा ये पूछे कि भाई आपने यूके क्यों कहा, ठीक है ना, कि बाकी कंट्रीज भी वहां पर हैं, यूएस भी है वहां पर, जो है जितने भी कंट्रीज हैं, चाइना भी, आपने उनको क्यों नहीं कह दिया? तो इसके अंदर ये बात है कि जो यूके है उसने 30 ईयर्स में अपना वीटो का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अगर कोई कंट्री वीटो पावर रखता है, परमानेंट मेंबर है, तो उसको कभी ना कभी तो अपना वीटो पावर कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए ना। कोई वहां पे रेजोल्यूशन आती है उसमें आपने येस और नो करना है, तो आपको अपना वीटो पावर यूज करना चाहिए, क्योंकि यही तो आपके पास ताकत है। तो ये भी बात कही जा रही है कि ये तो नाकारा हो गया है। अच्छा, अब जो कंट्रीज वो यूज नहीं करते, जैसे कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ये एक बहुत सॉलिड रीजन है। ये मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई कंट्री ऐसा करे और 30 ईयर से उसने अपना वीटो पावर यूज नहीं किया तो ये सॉलिड रीजन है। वैसे अगर आप किसी को कहेंगे कि कोई छोटा कंट्री है या इंडिया, हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हिंदू हैं इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया को, या फिर वो क्योंकि पार्टीशन में जो है उससे पहले उनकी फैमिली वहां पर थी तो इस वजह से उनका कहीं ना कहीं से उस एरिया से, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है, ये हम उस वक्त कह सकते थे, या कोई कि अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती, इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता, और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे देखें ये तो इंडिया का कोई है ही नहीं, इसमें तो ऐसे ही इन्होंने मुंह उठा के ये बात कह दी, ये तो क्योंकि ये हिंदू हैं या ये इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का वहां से है बैकग्राउंड, तो इसलिए इन्होंने बात कह दी। हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी स्टेटस वो बन चुका है, और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, बात ये है। तो इसलिए उनका ये कहना फिर जोर रखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद। 25 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाए जाएं, तो सारी बात है, इंडिया अगर बनता है मेंबर एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो बहुत ज़्यादा जो एक स्टेचर है इंडिया का बदल जाएगा।